डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार, वन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार का जन्म 1 जुलाई 1950 को रायसेन जिले के उदयपुरा में हुआ। डॉक्टर शेजवार ने MBBS की डिग्री हासिल की है। रायसेना जिले के बारला गांव के निवासी डॉक्टर शेजवार डॉक्टर होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। छात्र जीवन के दौरान ही डॉक्टर शेजवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और उन्होंने भारतीय जनसंघ के लिए सक्रिय तौर पर कार्य करना शुरू किया। डॉक्टर गौरी शंकर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे। 1977 में 27 वर्ष की आयु में विधानसभा के लिए डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार पहली बार चुने गए। डॉक्टर शेजवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संसदीय सचिव बनाया गया। वर्ष 1980 में डॉक्टर शेजवार दोबारा विधानसभा के लिए चुने गए और इस दौरान उन्हें BJP विधायक दल के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 1990 में डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार विधानसभा के लिए तीसरी बार चुने गए। इस दौरान उन्होंने प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति का पद भी संभाला। डॉक्टर शेजवार गृह विमानन, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 1998 में डॉक्टर शेजवार विधानसभा के लिए फिर निर्वाचित हुए। डॉक्टर शेजवार 2 फरवरी 1999 से 1 सितंबर 2002 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। डॉक्टर शेजवार वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के लिए सांची विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर निर्वाचित हुए। डॉक्टर शेजवार को उमा भारती के मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया। इस दौरान डॉक्टर शेजवार ने ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सामान्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार को 27 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। डॉक्टर शेजवार को 25 अगस्त 2007 को दोबारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। डॉक्टर शेजवार 14वीं विधानसभा के लिए सांची विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए। डॉक्टर शेजवार ने 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और अब तक कार्यरत हैं। इसमें फिलहाल इतना ही। और राज्यों के मंत्री के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।